So, थ्योरी पढ़ ली थी और अब हम उसपे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स असोसिएटेड बाई वन कुलम चार्ज इज टेन रेस्ट टू पॉवर नाइन देन नेट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन सर्फेस इज इक्वल टू एन इन टू टेन रेस्ट पॉल थ्री एन की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे सो so, आपको एक सर्फेस दिया है और ये सर्फेस आप देखिए हाँ इस तरह का आपको सरफेस दिया है जिसके बाहर आपके पास माइनस थ्री माइक्रोकुलम चार्ज है टू माइक्रोकुलम चार्ज है अंदर टेन माइक्रोकुलम चार्ज है माइनस सिक्स माइक्रोकुलम चार्ज है और आपसे ये कहा जा रहा है नंबर ऑफ लाइन आपको निकालना है और यह भी कह रहा है कि अगर उस सर्फेस के अंदर एक कुलम चार्ज होता तो कितनी लाइनें गुजरती

टेन माइनस सिक्स टू फोर तो इसका मतलब हमारे पास जो लाइने आएगी वो कितने चार्ज की वजह से आएगी फोर आएगी अब हम यहां पर देखते हैं वन कूलम से कितनी लाइनें जाती है टेन एस टू पावर नाइन राइट वन कूलम से कितनी लाइन जाती है टेन एस टू पावर नाइन तो फोर कूलम से कितनी जाएगी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं टेन एस टू पावर नाइन अपॉन वन कूलम मल्टीप्लाई बाय फोर माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम होने की वजह से क्या करना पड़ेगा माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये कूलम सो कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा नंबर आपके पास आ जाएगा तो फोर इंटू टेन रेस टू पावर थ्री आ रहा है और क्वेश्चन में हमें कितना गिवन था एन इंटू टेन रेज टू पावर थ्री तो एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई फोर के इक्वल आ गई तो जो आंसर है हमारा वो कितना हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास एक डायग्राम बनाया हुआ है उसमें आपको एक हेमी स्फेयर दिया है मतलब स्पेयर जो है उसका आधा हिस्सा दिया है और उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है लेकिन उस हेमी स्फेयर का जो नीचे वाला बेस है सर्कुलर बेस है वो बिल्कुल प्लेन रखा हुआ है और उस बेस के जो प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है फिफ्टी थ्री आपको गिवन है इसकी रेडियस आर दी हुई है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है फाइव हंड्रेड न्यूटन पर कूलम पूछा क्या गया है नेट फ्लक्स थ्रू ओनली हेमी स्फेरिकल कर्वड सर्फेस क्योंकि एक हेमिसफेयर में दो सरफेस होते हैं एक नीचे का सर्कुलर बेस होता है एक ऊपर का कर वाला पार्ट होता है आपको बेस वाले से सरफेस कितना फ्लक्स जा रहा है वो नहीं पूछा है आपको सिर्फ कर वाले से पूछा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस अपन को लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस ये है कि आप खुद देखिए अगर मैं यहाँ पे आपके पास इस तरह से डायग्राम बनाती हूं अब मैं यहाँ पर आप मुझे खुद बताइए जितनी लाइनें इस बेस से एंटर करेगी कितनी की गई 1 2 3 4 5 6 लाइन है ये 6 लाइन पक्का इस कर्व सरफेस से भी होकर जाएगी या नहीं जाएगी 3 4 5 6 तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है आपको वो बोल रहा है कि ऊपर वाले कर्व सरफेस से गुजरने वाली लाइनें ही आपको निकालनी है बेस एरिया वाली नहीं तो आप क्या करोगे बेस एरिया वाली लाइने निकालो क्योंकि जितनी लाइने बेस से एंटर होएगी वो सारी की सारी आपके पास क्या जाएगी कर्व से पास होएगी ही होएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट दिया है 500 हंड्रेड राइट अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होती चेंज हो रही होती तो अलग बात होती सो अभी तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है सो हमें क्या करना है इस हेमी को भूल जाओ अब इसका मतलब ये है कि आपके पास ये नीचे का सर्कुलर वाला हिस्सा मैंने बना लिया ये रेडियस आर है इस डायरेक्शन में आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें जो फ्लक्स निकालना है वो ओपन सरफेस से हो गया अब हमारा क्लोज सरफेस रहा ही नहीं है और ओपन सरफेस के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ई डॉट ए होता है सो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एंड कॉस थीटा लेकिन ये जो थीटा एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में होना चाहिए अब आप देखो यहाँ पे ये एंगल अगर अपन को 53 दिया है पर क्या हमें ये 53 एंगल चाहिए नहीं हमें ये 53 नहीं चाहिए क्योंकि ये जो सर्कुलर पार्ट है इस सर्कल का जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर हमेशा इसके प्लेन से नाइन्टी पे होता है तो एरिया वैक्टर इसका इधर जाएगा ये देखो एरिया वैक्टर हमेशा किसी भी एरिया के क्या होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है सो so, अगर ये फिफ्टी थ्री है तो हमारे पास ये एंगल कितना बन गया? 37 बन गया गया so, सो e और A के बीच में एंगल हो गया थर्टी सेवन सो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास फाइव हंड्रेड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और एरिया इसका एरिया कितना होगा पाई पाईआर स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा ये कॉस्ट थर्टी सेवन कॉस्ट थर्टी सेवन हमारे पास कितना होता है फोर बाई फाइव होता है सो so, यहाँ पेगा फाइव हंड्रेड अच्छा इसकी रेडियस हमको गिवन नहीं है क्या इसकी रेडियस जस्ट अ मिनट यस हमें क्वेश्चन में इसकी रेडियस गिवन है 1.2 मीटर सो लेट मी जस्ट राइट डाउन हमें इसकी रेडियस गिवन है 1.2 मीटर ये रेडियस हमें लेके चलना पड़ेगा ओके okay. सो so, हमारे पास देखिए पाई एज इट इज रखना है क्योंकि आंसर उसी में दिया है वन का स्क्वायर और कॉस थर्टी कितना होता है फोर बाय इस पाई को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है वो पाई में पूछा गया है रिमेनिंग टर्म को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट फाइव सेवनटी सिक्स टाइम्स पाई और आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्लक्स जो है वो दिया गया है एन पाई और एन की वैल्यू निकालना है सो कितना आ जाएगा फाइव सेवेंटी सिक्स जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम टू न्यूटन पर कुलम एट एक्स इक्वल टू वन मीटर टू एट न्यूटन पर कुलम एट एक्स इक्वल टू सेवन मीटर सेंटर ऑफ क्यूब लाइव लाइज एट एक्स इक्वल टू टू मीटर इफ क्यू एनक्लोज मतलब चार्ज एनक्लोज बायॉल क्यूब ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस वैल्यू तो एन कितना होगा इस बार एन यहाँ पे है मतलब टेन की जो पावर है हमें सिर्फ वो देखनी है हमें मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में आप कुछ पॉइंट्स डिसाइड कर लो एक्स डायरेक्शन डिसाइड कर लिया कह रहा है कि एक्स इक्वल टू वन मीटर सपोज एक्स इक्वल टू वन मीटर यहाँ पे है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको है टू न्यूटन पर कूलम और यहाँ पे एक्स इक्वल टू सेवन मीटर है यहां तक आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाती है एट न्यूटन पर कूलम और यह कहा गया है कि वन मीटर से लेके सेवन मीटर तक आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली का मतलब स्ट्रेट लाइन जो बनती है वाई प्रपोर्शनल टू एक्स उस ग्राफ के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है हमें कहा जा रहा है कि बीच में कहीं x इक्वल टू टू पर सेंटर रखने वाला एक क्यूब यहां पर बनाया गया है तो यहाँ पर एक क्यूब ऐसा रख लेते हैं ये रहा क्यूब राइट ये छोटा सा क्यूब बनाना है और ये क्यूब का जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पे है एक्स इक्वल टू टू मीटर पर है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक्स इक्वल टू वन मीटर है राइट हैंड साइड में कुछ दूरी पर एक्स इक्वल टू सेवन मीटर है एक्स इक्वल टू टू पर इसका सेंटर है और इस क्यूब की जो साइड है वो टेन सेंटीमीटर है सारी डिस्टेंसेस आपको मीटर में गिवन है इसलिए आप इसकी जो साइड है वो भी मीटर में रखिए तो दस सेंटीमीटर होने का मतलब इसकी जो साइड लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए जीरो पॉइंट वन मीटर तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो वो कितना होगा तो आप कॉमन सेंस लगाना x इक्वल टू टू पे इसका सेंटर है इसका मतलब अगर मैं सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तो x इक्वल टू टू पर इसका सेंटर है और ये पूरी लाइन की जो वैल्यू है वो है जीरो पॉइंट वन मीटर तो इसका मतलब बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दो तो आपको क्या करना है x इक्वल इसका इसका कोऑर्डिनेट है x इक्वल तो आपको पूरी लेंथ 0.1 करनी है इसका मतलब ये जो लेंथ है वो इसकी आधी हो जाएगी 0.05 और इधर वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी 0.05 तो x इक्वल टू टू में से एक बार 0.05 को माइनस कर दो यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 माइनस जीरो और इस पार्ट का कोऑर्डिनेट कितना होगा टू प्लस ये देखिए हमारे पास क्योंकि मैंने दोनों लेंथ को तोड़ा है एक बार मुझे x इक्वल टू टू से पीछे जाना है और उतने ही डिस्टेंस पे आगे तो हमारा जो क्यूब है उसके जो फेसेस हैं कौन से वाले ये फेस की लोकेशन और एक बिल्कुल इसके पीछे के फेस की लोकेशन इनकी लोकेशन मुझे पता चल गई तो क्यूब के अंदर एक फेस जो है दोनों की दोनों फेस में कहां पे लेके चल रही हूँ एक्स डायरेक्शन वाले लेके चल रही हूँ है ना ये दोनों फेस इसकी लोकेशन कितनी है ये है एक्स इक्वल टू टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव और ये है एक्स इक्वल टू टू प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव ये लोकेशन पे क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है ओनली एक्स डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है वाई डायरेक्शन में जो फेसेस है उनसे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें सिर्फ ऐसे है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें ऐसी है तो इनके परपेंडिकुलर जो फेस रखा हुआ होगा सिर्फ उसी से लाइने पास हो रही है ऊपर वाले से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है नीचे वाले से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है आगे वाले से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है पीछे वाले से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है तो जो सारा का सारा फ्लक्स पास हो रहा है वो केवल इन दो सरफेस से पास हो रहा है लेकिन इन दो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू चेंज हो रही है इससे प्रीवियस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी अब नहीं है तो आपको क्या करना है आपको यहां से पहले इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो फाइव वन और इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो फाइव टू तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा ई इन टू ए बीच में कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं है कारण क्योंकि आपका ये जो प्लेन सरफेस आपने लिया है इसका एरिया भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और क्वेश्चन में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो भी एक्स डायरेक्शन में है तो थीटा आपके पास कितना हो जाता है जीरो तो सिंपली फाइव वन की वैल्यू हम क्या लगाएंगे ई वन ए वन और फाइव टू की वैल्यू क्या लगाएंगे ई टू ए टू हमें पता है कि जो एरिया है वो तो दोनों का सेम है तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं अब आप देखो फाइव वन कैसे निकालेंगे वाई वन आपको क्या करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे क्योंकि हमें इस लोकेशन पे चाहिए टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव वाली लोकेशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ये वैल्यू कितनी हो जाती है वन पॉइंट नाइन फाइव और ये कितनी हो जाती है टू पॉइंट जीरो फाइव ये आपके पास कितना हो जाएगा टू पॉइंट जीरो फाइव एक्स इक्वल टू टू पॉइंट जीरो फाइव एक्स इक्वल टू वन पॉइंट नाइन फाइव हमें कुछ डेटा गिवन है हमें ये डेटा गिवन है कि इलेक्ट्रिक uh, फील्ड जो है सपोज ये मेरी x डायरेक्शन है ये मेरी ई e डायरेक्शन है आपको x इक्वल टू वन मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया है ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास टू है एट x इक्वल टू वन पे तो सपोज यहाँ पे मेरा है x इक्वल टू वन और यहाँ पे मेरा है x इक्वल टू सेवन यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे कितनी दी है टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टू है सपोज करो और तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ठीक है एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा तो x इक्वल टू वन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है टू राइट right? और आगे जाओ x इक्वल टू सेवन पे है सपोज मैंने आगे बना दिया x इक्वल टू सेवन यहां ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है एट ये दो पॉइंट है तो बीच में स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन में साफ साफ पता चल रहा है हमारे पास ओके वी डोंट नो कि ये उससे स्लोप से जाएगा या सेंटर uh, से ये लाइन जाएगी या नहीं जाएगी मुझे नहीं पता इसलिए हम इसे सेंटर से नहीं निकालेंगे हम यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज करेंगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स कौन सी यूज करेंगे सबसे पहले आप देखो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं इसका स्लोप स्लोप आपके पास कितना होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो आपके पास वाई टू माइनस वाई वन का मतलब एट स्ट्रेट लाइन तो की इक्वेशन तो निकालेंगे इक्वेशन होती है हमारे पास सपोज किसी एक्स वन वाई वन पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जो है उसकी इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई वन इज इक्वस टू एम एक्स माइनस एक्स वन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 1.95 पे 1.95 पे यानी हमारा x1 कितना है 1.9 सॉरी uh, x1 वन हमारे पास है x हमारे पास कितना हो जाएगा 1.95 पे हमें y चाहिए वाई हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ा सा समझना है इसको है ना हमें किस पे चाहिए 1.95 पे चाहिए और ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 1.95 पे तो x1 y1 वाई वन हमारी नॉन पॉइंट होने चाहिए तो आप क्या करो x1 y1 आपकी जो इच्छा हो आप इसको ले लो ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो था x इक्वल टू वन ये आपका x1 था राइट ये हमारा था x1 y1 और ये हमारा था x2 y2 तो x1 y1 तो हमें पता है कितना है टू और वन है तो एक्स वन हमारा कितना था वन और वाई वन हमारा कितना था टू है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यहाँ पर रखिए देखिए सो so, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट नाइन फाइव माइनस टू इज इक्वल्स टू स्लोप हमें मिला था वन वन पॉइंट नाइन फाइव माइनस वन सब कुछ नोन है सो so हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट जिस लोकेशन पे हमें वो चाहिए वहां पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी सॉल्व करके देख लीजिएगा यू विल गेट टू पॉइंट नाइन फाइव एक तो आ चुका है दूसरा आप कहा चाहिए दूसरा इस सरफेस पे चाहिए 2.05 वाले पे 2.05 वाले पे सो so, 2.05 वाले पे क्या करेंगे 2.05 पॉइंट जीरो माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप टू पॉइंट जीरो माइनस वन यहां से 2.05 निकाल लेंगे सो so, 2.05 पॉइंट जीरो फाइव यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3.05, ये आ जाएगा हमारे पास 3.05 पॉइंट जीरो फाइव ओके okay, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है दोनों पॉइंट पे तो फ्लक्स निकाल लेते हैं अब देखो हमें क्या करना है हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो हमारे पास इसी डायरेक्शन में है और यहां से भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी तो इसका मतलब जो नेट फ्लक्स होगा बीच में से वो आपको क्या करना पड़ेगा फाइव टू माइनस फाइव वन करना पड़ेगा वाई क्योंकि तो ये लाइन आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और इस केस में आपके पास एरिया वेक्टर पीछे था और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है कैसे का मतलब है मैं ये कहना चाह रही हूँ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे वाले सरफेस पे इधर है जबकि एरिया हम बाहर की तरफ लेते हैं क्यूब का और इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इधर ही है और एरिया भी आपके पास इधर है तो फाइव टू को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो फाइव वन को आपको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज एंगल कितना हो जाता है वन एट्टी डिग्री या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितना एंटर कर रहा है मतलब फाइव वन फ्लक्स तो क्यूब के अंदर एंटर किया और फाइव टू फ्लक्स जो है वो क्यूब के बाहर निकल गया तो अंदर आपके पास कितना फ्लक्स बस गया तो फाइव आपके पास कितना हो जाएगा एरिया निकालो सबसे पहले टेन सेंटीमीटर उसकी साइज थी साइड की तो ये उसकी, उसकी साइड लेंथ हो जाएगी तो इसका एरिया हो जाएगा सो तो आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा तो टेन रेस टू पावर ये कितना हो जाता है माइनस वन है तो ये हो जाएगा माइनस टू मीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास तो नेट फ्लक्स आपके पास कितना हो जाएगा फाइव टू माइनस फाइव वन करना है सो so, ये आ जाएगा आपके पास 3.05 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और ये एरिया और वहाँ हमारे पास आया था 2.95 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एरिया दोनों जगह हमने फ्लक्स निकाल लिया सो so इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 3.05 में से 2.95 गया तो 0.1 बचा 0.1 पॉइंट वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टू ये आपके पास आता है जीरो तो नॉट लेकिन लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपने जो क्यूब लिया था उस क्यूब के टोटल कितने फेस होते हैं छह फेसेस होते हैं तो सिक्स फेस से गुजरने वाला फ्लक्स तो आपके पास होगा

सोटेन टू फॉर माइनस थ्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन थ्री एपसाइल नॉट हमने वाई और जेड का कंसिडर ही नहीं किया है तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा हमें चार्ज एक्चुअली निकालना था ठीक है वाई और जेड का हो सकता है देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एक्स डायरेक्शन में चेंज होती हुई दिख रही है तो हमारे पास देखो इसका ये मतलब है कि हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में भी हो लेकिन वो क्या हो कॉन्स्टेंट हो अगर वो कॉन्स्टेंट होगी तो जितना फ्लक्स इधर से जाएगा वाई डायरेक्शन में उतना ही निकल जाएगा और आपके पास जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है क्यू एनक्लोज के इक्वल होता है तो आपके पास यहां पर फ्लक्स और यहां पर फ्लक्स सेम आएगा तो नेट फ्लक्स वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा जीरो आ जाएगा सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी जीरो आ जाएगा इसलिए अगर वाई डायरेक्शन में क्यू अपॉन एफ नॉट लोगे तो फाइव उस डायरेक्शन में जीरो होने की वजह से चार्ज में कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो चार्ज में कॉन्ट्रीब्यूशन केवल कौन कर रहा है एक्स डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है इसलिए हमने यहां पर ये फेस वाला कंसेप्ट लगाया है सो so, यहां से आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री एफ नॉट मल्टीप्लाई बाय टेन एस टू पावर थ्री ये हमारे पास कितना आ रहा है चार्ज और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिए वैल्यू हाँ, so आपको कितना दिया है यहाँ पे एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन रेस टू पावर कितना दिया है आपके पास माइनस का फाइव एन आपके पास आ जाएगा ठीक है ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी या फिर आप यहाँ से देख लीजिए क्यू इज इक्वल टू आपके पास अच्छा वो फ्लक्स नहीं निकाला था क्या हमने हाँ फ्लक्स ही निकाला था एक मिनट पाई राइट और फ्लक्स हमारे पास कितना आया था टेन एस टू पावर माइनस थ्री और ये आता है थ्री और एफ नॉट की वैल्यू हम जानते हैं एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेल्व होती है राइट right? और क्यूँ हमें कितना गिवन है यहाँ पर अगर, अगर अपन ध्यान से देखें तो थ्री इंटू एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस फिफ्टीन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सो so, अगर हम यहाँ पे ये चीज देखें फिफ्टीन हमें हमारे पास यहाँ मिल रहा है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पावर माइनस फिफ्टीन जबकि हमें चार्ज जो गिवन है वो कितना है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस फाइव टाइम्स एन गिवन है और हमारे पास जो चार्ज आया है उसमें पावर कितनी आ रही है आपके पास फाइव एन आ रही है सो so, कंपेरिजन करेंगे तो हमें एन की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा थ्री रखना पड़ेगा एन इज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा ओके नाउ इज अ रीजन देर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसको मिस इंटरप्रिट कर रहे मतलब हो सकता है देखो इसमें 8.85 से 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया है वाई क्योंकि क्वेश्चन ये कंसिडर कर रहा है क्वेश्चन ये कंसिडर कर रहा है हमें इन्होंने ये नहीं बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है सो so, ये जो इन्होंने ये जो आ, फ्लक्स लिया है फाइव ये पूरा का पूरा क्या ले लिया है q अपॉन एपसाइला नोट लिया है जबकि हमने कितना लिया था q अपॉन थ्री एप्साइल ए नोट अपन लिया है सो so, q अपॉन एपसाइल ए नोट इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया गया है उसका पर्पज़ आपको बता देती हूँ क्वेश्चन इस तरह से डील कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट कर रही है और उधर ही चेंज हो रही है यानी कि ये वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेके चल रहा है और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेके चल रहा है अगर वाई और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो ही हो जाएगी तो उस सिचुएशन में जो नेट फ्लक्स क्यूब से पास होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा जबकि हमने इस वक्त क्या सोचा है कि एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो तो चेंज हो रहा है वाई और जेड में एग्जिस्ट कर रही है बट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही होगी इसलिए हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन को ओपन सरफेस करके काउंट यहां पे किया है ओके, okay? सो so, आप थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, उसकी है, उसकी इस वजह से हमारा 3 का फैक्टर आया, लेकिन हमें सिर्फ पावर पूछी गई थी और पावर का हमारा जो हमारा हो जाएगा, 3. मैं राइट कर देती हूँ yes. इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा थ्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी माइक्रोकुल चार्ज इज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस देन फ्लक्स Is 5, 80 आपने कोई सरफेस लिया उसमें पहले बीस माइक्रोकुलम चार्ज था तब इससे जो फ्लक्स निकल रहा था वो था फाइव अब इसमें अस्सी माइक्रोकुलम चार्ज और एड कर दिया गया है तो फ्लक्स में जो चेंज आया है वो चेंज कितने का आया है एल्फा फाइव का आया है और हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है सो so, सबसे पहले जब बीस कूलम था अब हमने एट्टी माइक्रोकुलम इसमें और ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया हमारे पास हंड्रेड माइक्रोकुलम और ये था आपके पास था फाइव वन हो जाएगा तो अब आपके पास कितना हो जाता है फाइव टू और फाइव टू कितना आ जाएगा आपके पास हंड्रेड अपॉन एप्साइल नॉट और यहाँ आ जाएगा क्या हम इसे लिख सकते हैं फाइव इंटू ट्वेंटी जो ट्वेंटी उसे हम लिख सकते हैं so, कितना हो गया फाइव वन इनिशियली कितना था फाइव वन चेंज कितने का आया है चेंज आया है फाइव वन माइनस फाइव वन इज इक्वल टू फोर टाइम्स फाइव वन और हमें कितना दिया है एल्फा फाइव वन तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास फोर आ जाती है चेंज पूछा है फाइनल सक्स नहीं पूछा था इसलिए हमने इसके अंदर माइनस किया था ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास अ स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज चार्ज डेंसिटी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन रो नॉट ब्रैकेट में है वन माइनस एन स्मॉल आर अपॉन थ्री कैपिटल आर फॉर स्फेरिकल गशियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर फाइ इज इक्व टू जीरो फाइ का मतलब फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस जीरो है तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए अब ये देखो चार्ज डेंसिटी जो है इसका क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है इस कंडीशन में क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ ये कह रहा है कि आपके पास एक कैपिटल आर रेडियस का स्फेयर है और उसमें चार्ज डेंसिटी रो आपको गिवन है और इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स आपके पास जीरो है तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए तो अब मैं आपको बताती हूं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज की बात हो रही है राइट right? तो हम यहाँ पे गोस्टो लगाएंगे गोस्टो ये कहता है E डॉट डी एस इज इक्व टू क्यू एन अपॉन एपसाइल नॉट तो सपोज हम यहाँ पर क्या करेंगे हम एक गशियन सरफेस लेंगे और वो आपका हो जाएगा अंदर मान लीजिए स्मॉल आर रेडियस चलो हमें तो कैपिटल आर का ही पूछा है सो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है हम इस कैपिटल आर रेडियस का ही हमें क्योंकि जो गशियन सरफेस लेना है वो भी क्या लेना है कैपिटल आर रेडियस का इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा ये जो एक्चुअल स्फेयर था यही हमारा गशियन सरफेस है तो हमारा गशियन सरफेस भी क्या हो जाएगा आर रेडियस का तो इस आर के अंदर टोटल चार्ज हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा अब टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें हम एलिमेंट ऐसा तो नहीं ले सकते क्योंकि स्फेयर है तो जब आपको स्फेयर दिया हुआ होता है तो ध्यान रखना छोटा सा जो वॉल्यूम एलिमेंट आप लेते हो वो वॉल्यूम एलिमेंट भी आप कैसा लेते हो स्फेरिकल शेल के शेप का लेते हैं ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट होगा क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाते जाओगे तो आपको बड़ा स्फेयर मिल जाएगा अब ये जो एलिमेंट हमने लिया है सपोज इसकी रेडियस आर है और इसकी जो थिकनेस है वो डी है तो बताइए आर रेडियस और डी थिकनेस का स्फेरिकल शेल जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है तो उसका वॉल्यूम ध्यान रखना होता है फोर पाई आर स्क्वायर डी आर फॉर्मूला आप मैथमेटिक्स में इसका डेरिवेशन देख सकते हैं फोर पाई आर स्क्वायर तो ये आपका वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा तो अब आप मुझे बताइए वी वॉल्यूम में अगर मान लीजिए क्यू चार्ज है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा क्यू बाई वी और ये जो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होता है इसे ही हम क्या कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो यूनिट वॉल्यूम में अगर इतना चार्ज है तो फोर पाई आर स्क्वायर डी आर वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा सो so, रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर पाई आर स्क्वायर डी आर ये आपका चार्ज इंक्लोज आ जाएगा मतलब किसमें इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में तो इसे आप डी क्यू बोल दीजिए डी क्यू बोल दीजिए तो हमारा जो फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा ई e, डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज क्लोज की जगह क्या करना पड़ेगा आपको अब हमने तो छोटे से एलिमेंट में निकाला है इस छोटे से एलिमेंट में ऐसे ही करके हमें क्या करना पड़ेगा पूरे वॉल्यूम एलिमेंट में निकालना पड़ेगा पूरे वॉल्यूम में कैपिटल आर रेडियस में तो हमें क्या करना पड़ेगा जो डी क्यू है हमारा वो कितना हो जाएगा रो मल्टीप्लाई बाय डी वी ये रहा रो मल्टीप्लाई बाय डी वी और हमें पूरे स्पेयर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन रोडीवी हो जाएगा और वन अपॉन एपसाइलन नॉट ये मैंने क्यू अपॉन एप्साइल नॉट का फॉर्मूला लगाया सो so, यहां से आपको मिलेगा ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर क्योंकि अच्छा फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर नहीं लेना है अभी हमें कैपिटल आर स्क्वायर लेना है क्योंकि जो गशियन सरफेस है वो हमारा एक्चुअल सरफेस ही है सो ई इंटू फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा वन अपॉन एप्साइलन नॉट और ये जो रो डीवी है ये वॉल्यूम कहां से कहां तक जाएगा तो रो नोट रो की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले वो हम रखते हैं वो हमारे पास है रो नोट वन माइनस एन आर अपॉन थ्री कैपिटल आर और ये हो जाएगा डीवी फोर पाई आर स्क्वायर डी आर और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी सबसे पहला शेल कहाँ बनेगा आर इक्वल टू जीरो पर और सबसे लास्ट शेल कहां बनेगा इस बाउंड्री पे जो कि कहाँ पे है

n अपॉन 3r कांस्टेंट है और ये r भी मल्टीप्लाई हो जाएगा r cube dr ये देखिए, सो so, e मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r square आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 पाई rho not अपॉन epsilon not r square का इंटीग्रेशन होता है r cube by 3 लिमिट पुट करने के बाद मिल जाएगा r cube by 3 minus n अपॉन 3r और r cube का इंटीग्रेशन कितना होता है r की पावर 4 अपॉन 4 तो r की पावर 4 अप ये तो ये देखिए तो भी आपके पास यहाँ पे बच जाएगी से so से जब कुछ हम आउट कर लो सबसे पहले so e multiply by R square हमें मिल रहा है upon epsilon 0, ये हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे आर क्यूब बाई थ्री माइनस रो नोट अपॉन एपसाइल नॉट ये मिल रहा है एन आर क्यूब अपॉन थ्री फोर जो ठीक है R cube, R, यहां पर आर आउट हो जाएगा यहां, पे R तो R की बच जाएगी, यहां दोनों जगह तो ई e आपके पास यहां पर कितना आ जाता है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाँ हमें कहा जा रहा है ओके 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 हमें ये नहीं करना था क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था जस्ट अ मिनट ओके 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 ये देखो फाइव इज इक्वल्स टू जीरो बहुत ही आसान हो गया टेंशन की बात ही नहीं है आई थॉट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है क्योंकि हमें फ्लक्स जीरो दिया है बहुत ही अच्छी बात हो गई कुछ भी कैंसिल आउट मत करो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिया है ना फ्लक्स ये फ्लक्स पूरा क्या हो जाएगा हमारा जीरो तो दिस विल बी जीरो दिस विल बी जीरो हमें कुछ नहीं करना है ये जो मैंने किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करना था तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगी तो राइट हैंड साइड पूरा जीरो कर दो पूरा जीरो का मतलब है फोर पाई रो नोट अपॉन एप्साइल एन नॉट और ये हो जाएगा आर क्यू बाई थ्री माइनस एन आर क्यू बाई ट जीरो हो जाएगा सो so, ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी आरक्यूब से आर क्यूब कैंसिल वन बाई थ्री इज इक्वल टू एन बाई ट्वेल्व तो एन की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है फोर आ रही है देखो ये बहुत ही आसान हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो हमें यहाँ से फिर मिलता ठीक है सो एन इक्वल टू फोर आपके पास आ जाएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सो आई होप ये चीज हमें समझ में आ चुकी है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास एक पिक्चर दिया हुआ है ये आपके पास क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और उससे दो लाइनें गई है और दो सरफेस बनाए हुए हैं एस वन एस टू दिख सकता है आपको एस वन छोटा सरफेस है और एस वन से जो लाइनें गुजर रही है उसका फ्लक्स आपको फाइव वन दिया है और एस टू से आपके गुजरने वाला जो फ्लक्स है दैट इज गिवन टू यू एस फाइव टू आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है So, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसमें आपके पास आंसर आएगा फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू सेम कंसेप्ट है थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरह से देखिए आपने यहां पे इस तरह से लाइन रखी और आगे जाके इस तरह से ये देखिए तो जितनी लाइनें आपके पास फाइव वन से गुजर रही है वो आपके पास सारी की सारी आगे जाके किससे जा रही है टू से पास होगी ही होगी ही ये आपको एक्चुअली अः कौन दिया हुआ था यहाँ पे ये इस तरह से आपके पास कौन दिया हुआ था तो ये जितनी है फाइव एस वन को क्रॉस करेगी ये सारी लाइनें आगे जाके किससे गुजरेगी फाइव फाइव टू से गुजरेगी तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ इस केस में फाइव वन इज इक्व टू फाइव टू हो जाएगा सेम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आपके पास फाइव वन से भी जाएगी और आपके पास फाइव टू से भी जाएगी क्योंकि उसके बाहर तो हमें लेना ही नहीं है सिर्फ अंदर वाले पहले वाले सर्फेस से जो लाइने क्रॉस हो रही है वही आगे जाके दूसरे वाले सर्फेस से निकल जाएगी तो इस तरह से आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू ओके okay, यहाँ पे आपके पास क्या है देखो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस बनाया हुआ है वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियस इसकी आर है आपको पूछा जा रहा है फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस इस हेमिस्फेरिकल सरफेस मतलब कर वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा तो थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि जो बेस एरिया से जाएगा उतना ही फ्लक्स इस कर वाले सरफेस से जाएगा और सपोज ये कितना है ई इंटू ए तो फ्लक्स आपको कितना है सिंपली ई इंटू ए करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करना है ध्यान रखिएगा इसका एरिया फोर पाईआर स्क्वायर बाई टू होता है बट वो नहीं करना है आपको यहां पर कितना होगा ई इंटू पाईआर स्क्वायर ही करना है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी हो जाएगा ये क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट का है आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है A is of R, R चार्ज इज आउटसाइड साइड गशियन स्पेयर ऑफ रेडियस आर ठीक है तो यह कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फिल्ड ऑनफेस इजेस पेट्रिक फील्ड जीरो स्टेटमेंट वन कह रहा है की ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एफ साइल होता है अकॉर्डिंग टू गोसलो फिर यह बोल रहा है कि स्फेयर के केस में बिकॉज क्यू इन साइड जीरो आ रहा है सो so E is to zero. अब ये दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत अगर सही है दोनों तो क्या वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है सबसे पहले स्टेटमेंट वन को देखो ये बोल रहा है कि इस केस में क्या P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नो no. ये चीज ध्यान रखना मान लीजिए अगर आपके पास R है और यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है तो यस yes, बिकॉज आपका Q इनसाइड जीरो है तो क्यू इन साइड आपका जीरो होने की वजह से फ्लक्स जो जीरो होगा कन्फर्म बात है और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो तो फ्लक्स जीरो होगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए क्यों क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दूं और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दूँ और ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है एंड दिस इज डाइपोल ये अगर एक डाइपोल है डाइपोल हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन अगर इस डाइपोल को अंदर रख दो तो नेट चार्ज तो जीरो हो रहा है ना क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके नेट चार्ज कितना हो जाएगा जीरो तो यस क्यू इनसाइड जीरो हो रहा है तो फ्लक्स आपका जीरो होगा लेकिन डायपोल की वजह से इन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आती है राइट के पी एफर वाला जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे वैलिड है सो so, इसका ये मतलब नहीं है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सो so, ई e, जीरो हो भी सकती है और नहीं भी जीरो हो सकती है तो so, जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है वो ये कह रहा है कि चार्ज अगर बाहर हो तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नहीं डाइपोल के केस में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही बता रहा है कि ई डॉट डी एस इसके इक्वल होता है इस फेयर में हमारे पास इनसाइड जीरो है तो ये बोल रहा है फ्लक्स को जीरो सेकेंड में ये फ्लक्स को ज़ीरो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं कर रहा है इसलिए इसका स्टेटमेंट ट्रू जो है टू जो है वो ट्रू होगा राइट तो इसका में फर्स्ट फॉल्स होगा और सेकेंड आपके पास ट्रू होगा ओके ये हमारे पास इस कंडीशन में जाएगा ओके okay, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है दो सॉलिड स्फेयर आपको गिवन है दोनों नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड स्फेयर इसका मतलब इनके अंदर चार्ज भरा जा सकता है दोनों की रेडियस आपको आर गिवन है एक पॉइंट है इज एट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट तो फर्स्ट का सेंटर ओ पॉइंट पे है और ये रहा पी पॉइंट पे इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको आर बाई टू दे रखी है दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को ये सेकेंड वाले का सेंटर uh, है P पॉइंट पे कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जीरो हो जाती है और Q1 वन इज इक्वल टू सिक्स फोर माइक्रोकुल कौन सा चार्ज होगा जो फर्स्ट को दिया गया है तो सेकंड को दिया गया चार्ज जो है वो कितना होगा माइक्रोकुल में ये हमारा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन अपन को दे रखा है सो so ये वाले क्वेश्चन के अंदर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ये पहला स्पेयर है राइट right. ये दूसरा स्पेयर है और आपको जो यहाँ पे पॉइंट है वो P है तो पहले से इसकी डिस्टेंस कितनी है देखो R बाई टू हो जाएगी तो बाई डिफॉल्ट सेकेंड वाले के सेंटर से कितनी होगी सेकेंड वाले में ये डिस्टेंस R है और ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R बाई टू यानी फर्स्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज R बाई टू और सेकेंड के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आर प्लस आर बाय टू कितनी हो जाएगी थ्री आर बाई टू ओके आर और प्लस आर बाई टू ऑल्सो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट वाले सरफेस के लिए जो पी पॉइंट है वो इनसाइड द स्पेयर है जबकि सेकेंड वाले के लिए जो पी पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका आउटसाइड द स्पेयर हो जाएगा और हमें पता है किसी सॉलिड स्पेयर के लिए अगर वो नॉन कंडक्टिंग है इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी थोड़ी देर आपके पहले आपको बताया था वो हमारे पास कितना हो जाता है दो फॉर्मुले उसके या तो रो आर अपन थ्री एफ साइला नोट करो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था गोसलो अच्छा इसमें नहीं पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो कितना होता है रो आर अपॉन थ्री एप्साइला नोट होता है राइट और आउटसाइड पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सिंपली के क्यू अपॉन आर होती है आउटसाइड पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर होती है और इनसाइड पॉइंट पर रो रो आपके पास कितना हो जाता है टोटल चार्ज अपॉन फोर बाई थ्री बाई आर क्यू ये हमारे पास यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो हो जाता है तो ये देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का या तो ये फॉर्मूला आ जाओ रो के टर्म में या फिर आपके पास ये वाला फॉर्मूला हो जाता है ना रो को आप हटा दीजिए टोटल चार्ज को कोई जरूरी नहीं है ये दोनों फॉर्मूले जो है हमने डिराइव कर रखे हैं तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों की वजह से होगी पहला चार्ज और पहला स्पेयर और सेकेंड स्पेयर तो पहले की वजह से ई आ जाती है ई कितना हो जाएगा के q1 चार्ज दिया था उसको और जो r है वो क्या होगा r बाय टू लेना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट स्फेयर के लिए जो डिस्टेंस है वो r बाई टू है राइट डिवाइडेड बाय रेडियस हो जाएगी और सेकेंड वाले के लिए जो e2 आएगा वो हो जाएगा आपके पास के q2 अपॉन ये r कितना हो जाएगा थ्री आर बाय टू हो जाएगा अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन वाइज क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है पी पॉइंट यहाँ है फर्स्ट वाले की वजह से ऑब्वियसली हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो सिंपली और ऑपोजिट होगा ध्यान रखिए क्योंकि दोनों पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो अगर लेफ्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है तो राइट right वाले की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा सो so इनका जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली वो इक्वल कर दो बाकी कैंसिल आउट तो ये अपने आप हो जाएगी तो यहाँ से के क्यू वन और आर बाय टू और ये आ जाएगा आर क्यूब और यहाँ से आ जाएगा के क्यू टू और ये कितना हो जाएगा हमारे पास थ्री आर बाय टू अच्छा स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे के क्यूबर स्क्वायर होता है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा थ्री आर बाय टू का स्क्वायर बस हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है के से के कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है और आपके पास यहाँ पे आर और ये आर क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर स्क्वायर बन जाएगा और ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से चला जाएगा सो तो यहाँ बच रहा है हमारे पास क्यू वन और कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ बच रहा है आपके पास क्यू टू और ये बच रहा है आपके पास फोर बाय नाइन हमें क्यू टू की वैल्यू निकालना था तो नाइन बाय फोर टाइम्स क्यू वन आ जाएगा और क्यू वन हमें गिवन था सिक्सटी फोर तो ये आ रहा है सेवनटी टू तो सेवेंटी टू माइक्रोकुलम जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए यस ऑप्शन डी में हमें सेवनटी टू मिल रहा है ओके okay, ये क्वेश्चन देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले एक डेंसिटी का क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है आपको एक चार्ज डेंसिटी गिवन है किसी रीजन में ए आर स्क्वायर ए आपका कोई कांस्टेंट है और आर आपकी सेंटर से दूरी है आर इज इक्व टू कैपिटल आर बाय टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर भी हम क्या करेंगे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि गॉस लॉ कहता है ई डॉट डी ए इज इक्व टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है आर बाई टू डिस्टेंस पे लेना है तो आप क्या करेंगे एक गशियन सरफेस लेंगे और उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी लेंगे आर बाई टू लेंगे तो हमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और ये होता है वैसे तो फोर बाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है लेकिन हम स्मॉल आर की जगह बाद में क्या पुट करेंगे कैपिटल आर बाय टू और क्यू एनक्लोज का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था इंटीग्रेशन रो रोडीवी होता है ये मैंने उस टाइम पूरा समझा रखा था आपको कैसे आया सो ई मल्टीप्लाई बाय फोर पाई आर बाई टू स्क्वायर हो जाएगा और इसकी जो लिमिट जाएगी वो जीरो से लेके आर बाई टू तक होगी क्योंकि आपको इस स्वेयर के अंदर का चार्ज चाहिए केवल तो जहां तक चार्ज चाहिए वहीं तक रो डी भी लेना होता है सो वन अपॉन एपसाइल जीरो से लेके आर बाई टू हो जाएगा रो की वैल्यू आपके पास है ए आर स्क्वायर और वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है फोर पाई आर स्क्वायर डी आर जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखा है सो so, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर बाई फोर

और यहाँ पे आर बाय टू की पावर फाइव आ जाएगा इसको सॉल्व करना है जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करना है ये चीज आप कर लीजिएगा आपके पास ये लास्ट में आंसर आएगा फोर्टी एफ नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपको ये मिल जाएगी सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी कैलकुलेशन आप खुद करके देखिएगा ओके आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं ओके okay, ये क्वेश्चन देखिए आपको एक पिरामिड गिवन है एक पिरामिड है चार कॉर्नर है उसके और ऊपर बिल्कुल एक पॉइंट से ये मिला दिए गए हैं चारों कॉर्नर को राइट तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे आ, चार इस तरह से हैं और मान लीजिए हमने इसको इस तरह से मिला दिया है और हमारे पास ये जो पिरामिड बना है ये काफी सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल का मतलब है हमें निकालना है फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फोर आइडेंटिकल फेसेस यानी ये जो इसके फेस बने हैं एक ये वाला फेस हो गया एक इधर वाला फेस आएगा एक ये आगे वाला फेस हो जाएगा एक ये बिल्कुल पीछे वाला फेस हो जाएगा तो पिरामिड को अपनी माइंड में इमेजिन करो पिरामिड के चार ट्राइंगर फेसेस है ऊपर राइट एक नीचे का स्क्वायर फेस हो गया और ऊपर आपको ट्राइंगर फेसेस मिलेंगे चारों तरफ चारों बिल्कुल सेम है हमें ये कहा जा रहा है कि फ्लक्स थ्रू वन ऑफ दीज फोर फेसेस तो ऊपर का सपोज ये एक फेस ले लो केवल बस इस फेज से फ्लक्स कितना होगा तो सबसे पहले गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्लोज सरफेस यहाँ पर होना चाहिए अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो प्लस क्यू है इससे ऊपर की तरफ जो लाइनें जाएगी वो तो इस पिरामिड से निकलेगी लेकिन इससे कुछ फ्लक्स नीचे चला जा रहा है और वो नीचे वाला पता नहीं है कहाँ जाएगा तो हम क्या करेंगे हम ये करेंगे कि हमें ये सिचुएशन इस तरह से गीवन है ये सिचुएशन हमारे पास है राइट right? तो हम क्या करेंगे नीचे की तरफ बिल्कुल ऐसा ही पिरामिड इमेजिन कर लेंगे बिल्कुल ऐसा ही पिरामिड इमेजिन कर लेंगे ये देखो ये हमने बिल्कुल ऐसा ही पिरामिड इमेजिन कर लिया ऊपर जैसा पिरामिड है बिल्कुल नीचे अब ये जो प्लस क्यू है ये इस स्ट्रक्चर के सेंटर में आ गया तो ऊपर से जो लाइने गुजरेगी वो ऊपर वाले पिरामिड से जाएगी और जो नीचे से लाइनें गुजरेगी वो सारी की सारी नीचे वाले पिरामिड से जाएगी अब हमारा गशियन सरफेस पूरा क्लोज हो गया है सारी लाइनें हमारे सरफेस से होकर गुजर रही है अब ये जो टोटल फ्लक्स है तो सपोज आपके पास ऊपर से फ्लक्स फाई गया नीचे से भी फ्लक्स फाई गया तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया टू फाइव हो गया और नेट फ्लक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्साइल अट तो हमें फाई निकालना है फाई कितना हो जाएगा हमारा

तो एक से कितना निकले जाएगा आपका फोर इन टू कितना हो जाएगा एट एफ नोट आपका हो जाएगा सो करेक्ट आंसर होगा इसका क्यू अपॉन एट एफ्साइल नोट तो कई बार आपके पास अगर ऊपर हाफ हो नीचे वाला हाफ नहीं हो तो नीचे इमेजिन करके डबल करके और उस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं चलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन जो है लास्ट प्रोबेबली या फिर सेकेंड लास्ट जैसा भी है हाँ डिस्क का एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले ओके okay, ये क्वेश्चन देखिए कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर पॉइंट चार्ज इज ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस ए सच दैट आर इज इक्वल टू ए रूट थ्री फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्कल इज इक्वल टू फाइव देन क्यू विल बी क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं ये ये बोल रहा है कि एक सर्कल था उसके सेंटर से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू और इस कैपिटल क्यू की वजह से इस सर्कल से जो फ्लक्स पास हो रहा है तो हम यहां से एक लाइन मिला देते हैं और नीचे से एक लाइन मिला देते हैं और इसके अंदर से लाइन इस तरह से गुजर रही है ये फ्लक्स है आपके पास ये फ्लक्स फाइव तो हमें क्या पूछा जा रहा है इस Q की वैल्यू पूछी गई है सो so Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहां पर क्या करेंगे इस सर्कल को एक तरह से ये सर्कल है ये Q है हमें इस पूरे सर्कल से गुजरने वाली लाइन निकालनी है तो क्यों ना हम इस सर्कल को डिस्क मान लें क्योंकि जो डिस्क से अगर ये डिस्क भी होती तब भी उससे उतनी ही लाइनें निकलती जितनी सर्कल से निकलेगी और डिस्क से निकलने वाली जो लाइन होती है फ्लक्स होती है उसका फॉर्मूला हमें पता है उसका फॉर्मूला जो है वो होता है क्यू अपॉन टू एप्साइल नॉट वन माइनस कॉस थीटा तो हमें भी यहाँ पर यही करना पड़ेगा हमें बस थीटा निकालना पड़ेगा तो थीटा निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे ये हमारी डिस्क हो जाएगी राइट right? इसकी रेडियस हमारे पास है आर और ये डिस्टेंस हमें गिवन है ए तो यहाँ पे बनता है थीटा तो देखो कॉस्ट थीटा कितना हो जाएगा ए अपॉन आर अब क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इज इक्वल्स टू ए रूट थ्री होता है आर इज इक्वल्स टू ए रूट थ्री का मतलब ये सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर बन जाएगी करेक्ट ए रूट थ्री आर इज इक्वल्स टू हमारे पास ये हो जाए ओके 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 सॉरी 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 हमारे पास थीटा ले ना, थीटा ले लिया हमारे पास ये डिस्टेंस मतलब ए रूट थ्री स्क्वायर ए रूट थ्री का स्क्वायर मतलब थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो ये आ जाता है हमारे पास ए बाई

जो कि कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में हमारे पास है 4 एप्सिलॉन नॉट पाई ओके अब इसी तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास गौस का देख लीजिए एक बार जल्दी से तो ये हमारे पास इस कंडीशन में एक इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट तो ये मैंने लाइन से ड्रॉ किया है क्योंकि ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई है ये ऐसे रखी हुई होगी ठीक है और ये कट्स थ्रू स्फेरिकल गशियन सरफेस एक हमारे पास स्फेरिकल गशियन सरफेस है ये वाला ये शीट इसके अंदर से घुस गई काट रही इसको बिल्कुल काटेगी ठीक है और काटने की वजह से आपके स्फेयर के अंदर इस शीट का कुछ हिस्सा आ जाएगा और उस हिस्से में चार्ज होगा तो हमारे स्फेयर के अंदर चार्ज जनक्लोज हो गया चार्ज जनक्लोज हो गया तो फ्लक्स निकलेगा और वह फ्लक्स इन चार ऑप्शन में से कितना होगा दैट वी हैव टू टेल तो सबसे पहले तो आप इमेजिन करके बताओ कि अगर ये स्फेयर है इसको कोई शीट ऐसे काटती है तो जहां जहां पर वो काटेगी वो हिस्सा कैसा दिखाई देगा सर्कुलर शेप का दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपके पास ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा एक सर्कुलर क्रॉस है साइड से काटोगे जैसे ही शीट उस स्पेयर के अंदर घुसेगी तो अंदर क्या कितना प्लेन कटेगा उस स्पेयर को अगर आप काटते काटते हो तो काटने से सर्कल बनेगा सो so बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है इस तरह यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है एक सर्कल बन रहा है और सेंटर से ये जो सर्कल है वो कितनी डिस्टेंस पे दिया है अपन को एक्स डिस्टेंस पे और हमें इस की रेडियस दिया हुआ है इसलिए मैं यहां से इसको मिला देती हूँ तो हमारे पास आर है तो क्या आप मुझे इस सरफेस की ये जो सर्कल कटा है इस सर्कल की रेडियस बता सकते हो यस yes. इसकी रेडियस होगी देखो ये वाली लाइन इसकी रेडियस होगी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पाइथागोरस थ्योरम से कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये आपके पास इस सर्कल की रेडियस होगी क्योंकि मुझे चार्ज निकालना है अब बिकॉज आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको कितना दिया है सिग्मा दिया है इसका मतलब ये होता है कि यूनिट एरिया पे यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है सिग्मा तो हमें क्या चाहिए हमें तो जो सर्कल कटा है जो जो सर्कल का हिस्सा ये वाला सर्कल इतना हिस्सा अंदर आएगा

कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी सो so, आई होप गौसलो जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है गौसलो से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं सो so, बस गौसलो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के साथ बाय बाय